ध्यानचंद न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। दमोह पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। कोरोना अस्पताल दमोह से फरार हुआ कोरोना संक्रमित एटीएम ब्लास्ट का आरोपी देवेंद्र पटेल एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में आया। आरोपी को नरसिंहगढ़ बाजार में बाइक चलाते हुए पकड़ा गया। पहली बार में दमोह की पुलिस ने आसपास के जिलों में हुई वारदातों के बाद मशक्कत करते हुए इन आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की थी। वहीं जेल भेजे जाने के बाद उसके कोरोना पॉजिटिव निकलने पर जिला अस्पताल के कोरोना अस्पताल से भाग जाने के बाद एक बार फिर दमोह पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। दमोह पुलिस की लापरवाही से यह आरोपी अस्पताल से भाग गया था, जिसे पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में बनाई गई टीम के द्वारा पकड़ा गया है। देवेंद्र की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार सक्रियता से लगी हुई थी। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुमार चौहान, एएसपी शिव कुमार सिंह और सीएसपी मुकेश अविद्रा के निर्देशन में आज साइबर सेल के राकेश अठिया, सौरभ टंडन, अजीत की मदद से यह हासिल हो सका। आरोपी को पकड़े जाने के बाद उसे नरसिंहगढ़ चौकी में रखा गया था। वहीं स्वास्थ्य टीम के साथ पुलिस की टीम ने पीपीई पहनकर पूछताछ करते हुए उसे दमोह लाया गया है, जहां पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दमोह पुलिस इस सफलता के लिए बधाई के पात्र है। उक्त कार्रवाई में टीआई कोतवाली, एचआर पांडे, अभिषेक चौबे, थाना प्रभारी पटेरा, सत्येंद्र सिंह राजपूत, थाना प्रभारी नोहटा, सविता रजक, थाना प्रभारी दमोह देहात, भूमिका विश्वकर्मा, चौकी प्रभारी नरसिंहगढ़, आरक्षक संजय पाठक, आरक्षक महेश यादव, बबलू सैनिक सहित नरसिंहगढ़ पुलिस चौकी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मध्यांचल न्यूज के साथ। धन्यवाद।